गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अभी व्याकरण पोर्शन चल रहा है आप लोगों का। व्याकरण में अभ्यास के सारे चैप्टर अभी हम चला रहे हैं। आपने देखा कि फर्स्ट अभ्यास, सेकंड अभ्यास, थर्ड अभ्यास अब तक के वीडियो में हमने समाप्त कर दिया है, और आज हम लोग अभ्यास नंबर 4 जिसमें कि समास परिचय है। समास से आप लोग अवगत हो, समास आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा, और मैं जब चैप्टर पढ़ाती हूँ तो बीच बीच में भी समझाया करती हूँ। तो समास है क्या, सबसे पहले तो बात आती है समास है क्या। समास दो शब्दों के मेल से जो होने वाले विकार हैं उसे समास कहते हैं। समसनम इति समासम, समसनम का क्या मतलब, मतलब समावेश करते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को समावेश करके एक छोटा शब्द बना देते हैं और उसे ही समास कहते हैं। संधि में हमने क्या पढ़ा कि दो वर्णों का मेल होता है, और यहाँ समास में दो शब्दों का मेल होता है। संधि में विच्छेद होता है, उसमें प्लस का चिन्ह डालते हैं, बट समास में प्लस का चिन्ह नहीं डालते, इसे विग्रह करते हैं और इसका डिसोल्यूशन बनाते हैं, इसका समास विग्रह करते हैं, इसको परासा करके इसको बताते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे राम लक्ष्मणौ, तो रामा च लक्ष्मणा च, अब यहाँ पे रामा प्लस लक्ष्मणा ऐसे तो नहीं होगा, तो रामा च लक्ष्मणा च, राम लक्ष्मणौ, राम भी है लक्ष्मण भी है, यहाँ पे दोनों साथ में हैं, राम लक्ष्मणौ बोल दिया, एक शब्द बन गया। अब हमें बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी। अब जैसे राम के हाथ में नील कमल है, रामस्य हस्ते, मुझे बोलना है रामस्य हस्ते नील कमलम अस्ति। अब यहाँ पे छोटा वर्ड है, यही समास है। अब आप यहाँ पे ऐसे मीनिंग इसका क्या है, नील कमल है, जो नीला रंग का जो कमल है वो राम के हाथ में है, तो रामस्य हस्ते नीलम नीलम कमलम अस्ति तत् अस्ति हस्ते नीलम कमलम अस्ति यत् तत् अस्ति। राम के हाथ में नीला कमल है, नीले रंग का जो कमल है वो है। तो अब इतना ऐसे बोलने से कितना बड़ा सेंटेंस भी बड़ा हो रहा है और जरा अटपटा सा भी लग रहा है, तो इसके बदले हमने एक अच्छा सा वर्ड जो छोटा सा मिल गया हमें, इतने बड़े वर्ड के बदले इतना बड़ा एक वर्ड मिल गया कि रामस्य हस्ते नीलकमलम अस्ति। अब आपको इसका मीनिंग स्वयं पता चल गया कि नीलकमल है, यानी आप समझ गए कि नीला रंग का जो कमल है वो उसके हाथ में है, लाल रंग वाला नहीं है, नीला रंग वाला है, तो कमल जो है नीला रंग को धारण किए हुआ है। तो ऐसे ये यही समास है। अभी मैं क्या बता रही थी कि जो इतना बड़ा जो वर्ड आया इतने, इसके बदले हमने ये छोटा सा वर्ड मिल गया, तो दिस इज समास। बहुत सारे वर्डों को, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब छोटा वर्ड हमें मिलता है दैट इज समास। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया समास क्या है। समास के कितने प्रकार के होते हैं, समास ऐसे 6 प्रकार के होते हैं, बट ऐसे संस्कृत में आप लोगों को अभी 4 प्रकार के समास बताए गए हैं, जिनमें से ओनली 2 आप लोगों को अभी 9th क्लास में पढ़ना है। अब यही भाव समास तत्पुरुष समास द्वंद्व समास
कर्मधारय निकलता है वो तत्पुरुष का ही भेद कहलाता है कर्मधारय। बहु व्रीहि समास, यहाँ यहीं से कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष के भेद बताए गए। कर्म धारय एंड ये दोनों इसके भेद बताए गए। तो ऐसे मिला करके छः हो गए ना, यहाँ से पांच और यहाँ से छः। अभी इन नाइन्थ क्लास ओनली यू हैव टू रीड तत्पुरुष समास एंड द्वंद्व समास, ठीक है, पर जानना चाहिए। अव्यय भाव में क्या होता है, जहाँ अव्यय लगा रहता है, जैसे कि प्रतिदिनम, प्रति दीनम, दीनम प्रति प्रतिदिनम, दिन प्रतिदिन। अब यहाँ पे प्रति वर्ड जो है वो अव्यय है। अव्यय आप लोग समझते हो, अव्यय मतलब कि जो हर रूप सर्वासु विभक्ति सुवचने सुलिंगे सुच यह तिष्ठति न परिवर्तनम भवति स अव्यय भवति, यानी कि जो सभी लिंगों में, सभी वचनों में और सभी विभक्तियों में सेम रहते हैं, जैसे कि हम प्रति वर्ड ले लो, तो प्रति को कभी प्रता या प्रतु करते हुए देखा है आपने? नहीं ना, प्रति का प्रति ही रहता है, कोई उसका न लिंग चेंज होता है, न उसकी विभक्ति चेंज होती है, न उसके वचन चेंज होते हैं। तो ये वही अव्ययी भाव है। व्यय का मतलब ही होता है खर्च करना, यानी कि वो जो का त्यों रहता है, न खर्च होता है, न वो ज़्यादा इंक्रीज होता है, न वो उसमें कमी आती है। जैसे कि कदा वर्ड है, कदा को कभी कदे कदू कदी होते देखा है? नहीं देखा है, तो कदा ही अव्ययी भाव। उसी तरह यथा, यथासंभव, यथा शब्द है, यथा को यथि यथु यथे कुछ भी, यथात कुछ भी होते हुए देखा है? नहीं देखा है, तो यथा इज ऑल्सो अव्यय अव्यय, क्योंकि उसके न लिंग परिवर्तन हुए, न वचन परिवर्तन हुए, न विभक्ति परिवर्तन हुए। तो उसके भी उदाहरण हो गए यथासंभव, संभव के अनुसार यथासंभव, यह अव्यय भाव हो गया। बहुव्रीहि में क्या होता है, एक विशेष अर्थ निकलता है, जैसे लंबोदर, लंबम उदरम अस्ति यस्य सः। अब लंबा उदर है जिसका, सबका तो लंबा उदर नहीं है, गणपति का एक विशेष अर्थ निकलता है, विष्णु भगवान हम लोग नहीं समझेंगे उनसे, तो वो एक विशेष अर्थ जहाँ निकला, स्पेशल मीनिंग हमें प्राप्त हुआ, दैट इज बहुव्रीहि समास। और दूसरा उदाहरण जैसे दशानन, दश है आनन जिनके, दश आननम अस्ति यस्य सः, तो दशानन से भी एक विशेष अर्थ निकला रावण, तो दैट इज वो हो गए बहुव्रीहि। और दूसरा उदाहरण जैसे आप अपने क्लास में देख सकते हो, विशालाक्षी, विशाला अक्षिणी अस्ति यस्य सा, बहुत सारी लड़कियां हैं पर किसी एक की विशाल आंखें हैं, तो आपको एक विशेष अर्थ समझ आ गया कि ये पर्टिकुलर उस लड़की के बारे में बातें हो रही है जिसकी आंखें विशाल है, बाकी सबकी तो आंखें विशाल नहीं है। विशालाक्षी पत्रम लिखती, अगर हमने बोल दिया तो आप यहाँ पे सीता, मीना, गीता, रीता सभी हैं, बट किसी एक रीता नाम की लड़की का विशाल आंख है, तो आपको रिकॉग्नाइज हो गया कि ये विशाल मैम ने जो बोला वो रीता के विषय में बोला, यहाँ वो बहुव्रीहि समास हो गया। अंडरस्टूड है? कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय में वो कर्म, एक जैसे नील कमलम हमने अभी बोला, तो नीलम कमलम, कमल ने क्या किया है, नीला रंग को धारण किया हुआ है, तो कर्म इसका नीला रंग होने का, इसने कमल ने धारण किया है नील कमलम, तो कम कर्मधारय। जैसे कृष्ण सर्प, सांप है वो कृष्ण बोलते हैं काला को, तो काला होने का उसने कर्म धारण किए हुआ है सर्प ने, वो ग्रीन सर्प आप नहीं समझ सकते हो, तो ये हो गए कर्मधारय समास। द्विगु, द्विगु में दो शब्द मिले रहते हैं, जैसे माता च पिता च, माता पितरो, हाँ माता च पिता च, माता पितरो, राम लक्ष्मण, राम च लक्ष्मण च, इस तरह के वर्ड। द्विगु द्वंद्व में भी लगभग वैसे ही शब्द हैं, यहाँ पे द्विगु में ज़्यादातर हाइफन होता है, जैसे बड़ा छोटा, लघु ज्येष्ठ कनिष्ठ, इस तरह के वर्ड होते हैं। द्वंद्व में भी राम लक्ष्मण टाइप के वर्ड
आते हैं, जैसे रामा च लक्ष्मण च राम लक्ष्मण, जैसे इंद्र वरुण नेत्र, ऐसे वाले वर्ड आपके इसमें आए हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो दैट इज द्वंद्व समास, जहाँ पे दो विभक्ति होती है, दो शब्द या दो से ज्यादा शब्द मिले होते हैं। अभी हम लोग तत्पुरुष पे जाएंगे। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष में हमेशा विभक्ति चिन्ह आती है, जब भी हम डिसोल्यूशन करेंगे तो इसके डिसोल्यूशन में विभक्ति का हमें पता चलेगा। हाँ, जैसे राम का दशरथ का पुत्र, दशरथस्य पुत्रः, दशरथ पुत्र, दो शब्द मिले हमें, वर्ड क्या है? दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र, दो शब्द हमें प्राप्त हो रहे हैं, दशरथ और पुत्र। अब ये दशरथ है और पुत्र है, लेकिन दशरथ पुत्र अलग अलग बोल रहे हैं, तो दशरथ एक अलग व्यक्ति है, पुत्र अलग व्यक्ति है। दिशोभूषण जो समास विग्रह होता है, क्या होता है? दशरथ से पुत्र, दशरथ पुत्र कौन है? राम जी हैं। तो दशरथस्य पुत्रः, दशरथ का पुत्र, यहाँ पे स्य जो आया ये क्या है? ये विभक्ति है। विभक्ति आपने पढ़ा है ना, राम का शब्दरूप अगर आप याद किए हो बालक का, तो आप देखो स्य कहाँ आता है? षष्ठी विभक्ति में आता है। ये विभक्ति चिन्ह यहाँ पे आ गई, षष्ठी विभक्ति। कोई भी विभक्ति चिन्ह जब निशोलूषण में पता चलती है तो ये तत्पुरुष समास होता है। ऑलवेज यू फाइंड इन डिसोल्यूशन ऑफ तत्पुरुष समास एनी विभक्ति चिन्ह, एनी विभक्ति इज एंटर ऑलवेज हियर। और यहाँ विभक्ति चिन्ह मिल गया तो ये तत्पुरुष समास है। और इसमें अगर आपको पता चल गई बात कि ये षष्ठी तत्पुरुष है, तो आप षष्ठी तत्पुरुष ऐसे लिखोगे, अदरवाइज आप ओनली तत्पुरुष भी लिख सकते हो। तत्पुरुष समास भी दो तरह के होम बताए गए हैं, इतरेतर तत्पुरुष और समाहार तत्पुरुष। इसमें भी क्या है कि एक होता है जिसमें कि दो ड्यूएल ये होती है, विग्रह में ड्यूएल होता है, जैसे राम च लक्ष्मण च, ड्यूएल आ गया, राम लक्ष्मण, राम च लक्ष्मण च, राम च लक्ष्मण च, राम भी है और लक्ष्मण भी है, राम भी है लक्ष्मण भी है, इतरेतर तत्पुरुष समास। इसमें एक ही है, इतरेतर इसमें तीन भेद बताए गए हैं, विभक्ति तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और नय तत्पुरुष समास। ये हो गया। अभी इसमें क्या है बताए गए हैं, तत्पुरुष समास के तीन भेद बताए गए हैं। एक है विभक्ति तत्पुरुष, जिसका विभक्ति तत्पुरुष जिसका उदाहरण हमने ये बताया, विभक्ति लगी हुई है यहाँ पे। दूसरा उपपद
तत्पुरुष समास और तीसरा नए समास। तो विभक्ति तत्पुरुष का उदाहरण ये यहां मिल गया हमें, दशरथस्य पुत्रः दशरथ पुत्र। ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देखो दशरथस्य। सेकेंड एग्जाम्पल इज चोर भया। चोर भया चोर भया तो क्या हो जाएगा? चोरात चोरात भय, चोर से भय, चोर के द्वारा भय है। तो यहाँ आपको देखना है कि ये इसमें त वाले शब्द कहाँ है। राम वाले में देखिए आप, रामात कहाँ आता है? पंचमी में आता है। तो इसके हो गए कि पंचमी तत्पुरुष समास है ये, पंचमी तत्पुरुष, ऐसे इसको फाइंड किया जाता है। जो विभक्ति चिन्ह आई, जो विभक्ति तत्पुरुष के उदाहरण हो गए, दशरथस्य पुत्रस्य यहाँ आ गया षष्ठी तत्पुरुष, यहाँ तक आ गया पंचमी तत्पुरुष समास। इसी तरह उपपद विभक्ति, और इसमें एक बात और है कि उत्तर पद की प्रधानता होती है। दशरथस्य पुत्र दशरथ पुत्र, वो पुत्र कैसा है? उत्तर पद जो है वो पुत्र क्या कौन है? दशरथ का पुत्र है। यहाँ पे दशरथस्य पुत्र अस्ति, सह दशरथस्य पुत्र अस्ति राम। तो यहाँ पे दशरथ की प्रधानता नहीं है, पुत्र की प्रधानता है। वो पुत्र कौन है? दशरथ का पुत्र है। चौरात भय, भय कैसा है? आपको थंडर से भय नहीं है, यहाँ पे क्या है? चोर से भय है। तो उत्तर पद की प्रधानता होती है यहाँ पे। उपपद तत्पुरुष में क्या है? उपपद विभक्ति यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ये मिला ना विभक्ति चिन्ह है, आपको कारक विभक्ति यहाँ पे पता चली, यहाँ पे उपपद विभक्ति पता चलेगी। जैसे कि गृहात बही नदी बहती, गृहात बही नदी बहती, बही शब्द आया, ये उपपद विभक्ति है। बही के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जब आप उपपद विभक्ति पढ़ोगे तब आपको ये सब पता चलेगी। तो गृहात बही नदी बहती, तो गृहात बही वर्ड जो आया वो हो गया बही के अनुसार, गृहात में त में पंचमी विभक्ति आई है। तो ओनली यू थिंक इन माइंड दैट हियर कम द विभक्ति। मैंने क्या बताया कि तत्पुरुष समास में हमेशा विभक्ति दिखेगी, तो विभक्ति यहाँ भी दिख रही है। तो हो गया ये तत्पुरुष समास, उपपद विभक्ति के अनुसार है। तो उपपद विभक्ति गृहात बही नदी बहती। नए समास में क्या होता है? हमेशा न या अन शब्द लगे रहते हैं। न या अन शब्द आपको दिखेंगे, न अथवा अन, ये दो शब्द आपको दृष्टिगोचर होंगे। जैसे कि न असत्यम अधर्म, इसके उदाहरण अ शब्द या अधर्म, न धर्म, जहाँ की धर्म नहीं है, न धर्म असत्य, न सत्य, ये सत्य नहीं है। तो इस तरह से नए समास के भी उदाहरण आपको मिल गए।
यहाँ पे तत्पुरुष समास आई थिंक कि आप लोग अच्छे से समझ गए हो। अनुचितम न उचितम अनुचितम, अनागतम न आगतम अनागतम, अनुचितम न उचितम अनुचितम, अनागतम न आगतम अनागतम। इस तरह से ये नए समास के उदाहरण हो गए। और नए समास भी किसका भेद है? तत्पुरुष का भेद है। उपपद विभक्ति जहाँ दिखेगी वो भी तत्पुरुष का भेद है, और विभक्ति चिन्ह जहाँ दिखेगी वो भी तत्पुरुष का भेद है, विभक्ति तत्पुरुष। तो अगर आप तीनों में से आपको कंफ्यूजन हो जाए, आपको विभक्ति पहचान में आ गई, तो आप ओनली तत्पुरुष समास तो एटलीस्ट लिख ही सकते हो। और नए समास इज वेरी इजी, न वर्ड उसमें छुपा रहेगा, अधर्म असत्य अ क्या अभी हमने बोला अनागत न आगत अनागत, तो इसी तरह से अ वर्ड जुड़े रहेंगे और उसके डिसोल्यूशन में न या अन शब्द आएगा। न धर्म अधर्म, न सत्य असत्य, न आगत अनागत। इस तरह से नए समास और ये तत्पुरुष के चैप्टर आप लोग, आई होप कि अच्छे से आप लोगों के लिए अंडरस्टूड है। अब सेकेंड वन आता है द्वंद्व समास। किसी को ये लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। सेकेंड वन है द्वंद्व समास। आपको फाइंड होंगे, राम लक्ष्मण वनम गच्छतः, राम च लक्ष्मण च वनम गच्छतः। राम लक्ष्मण ये वर्ड है। अब राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण वन गए तो जा रहे हैं, गच्छति गच्छतः। तो यहाँ पे पहले तो ये बताइए कि गच्छता क्यों है, गच्छति क्यों है, नहीं है गच्छन्ति क्यों नहीं है? बिकॉज हियर द टू पर्सन, ये द्विवचन है, राम और लक्ष्मण दो जन है। ये कौन सा ये है पुरुष है? अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष का द्विवचन है। तो यहाँ भी अन्य पुरुष का द्विवचन गम का जब हम देखेंगे तो गच्छति गच्छतः आता है अन्य पुरुष के द्विवचन में, तो गच्छतः राम लक्ष्मणो वनम गच्छतः है। अभी राम लक्ष्मणो का मीनिंग क्या होता है? राम च लक्ष्मण च, राम च लक्ष्मण च वनम गच्छतः। अब इतने बड़े शब्द बाकी का ये जो है ये यहाँ पे लिखा है, राम च लक्ष्मण च के बदले हमें क्या मिला? राम लक्ष्मण, छोटा सा वर्ड मिला। अब ये राम लक्ष्मण यहाँ पे दो है, एक ही विभक्ति सेम विभक्ति है और दो जन है, उसको मिला के हमने समाहार कर दिया, द्वंद्व दो को मिला के एक बना लिया, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया, राम च लक्ष्मण च। अब इसके दूसरे उदाहरण ये भी होते हैं, माता च पितरौ च। पितरौ का मतलब ही हो गया, जब पितरौ वर्ड हम लोग यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है पेरेंट्स। पिता च हमने नहीं बोला, माता च पिता च नहीं बोला, माता च पितरौ च। पितरौ का मतलब हो गया पेरेंट, पेरेंट में दोनों जन आते हैं, मम्मी पापा दोनों। तो यहाँ जब द्विवचन शब्द आएगा, इसके भी दो भेद हैं द्वंद्व समास के, पहले समझ लिए, बस द्वंद्व समास के भी दो भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। द्वंद्व
द्वंद्व समास भी दो तरह के होते हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व और दूसरा दूसरा समाहार द्वंद्व। इसमें बस यही अंतर है इतरेतर और समाहार में। द्वंद का तो समझ गया ना कि दो होंगे, दो शब्द होंगे, जैसे राम च लक्ष्मण च राम लक्ष्मण, माता च पितरौ च माता पितरौ। लेकिन द्वंद में ड्यूएल और प्लूरल इज यूज्ड। इतरेतर इतरेतर में हमेशा ड्यूएल और प्लूरल होते हैं, ड्यूएल एंड प्लूरल। आप यहाँ पे फाइंड करोगे कि ड्यूएल होंगे और प्लूरल होंगे, जैसे कि दो तो है ही और प्लूरल में आ गया पितरौ, और समाहार में हमेशा जो है सिंगुलर होंगे। वेयर सिंगुलर इज यूज्ड इट इज कॉल्ड समाहार द्वंद समास, एंड समाहार में सिंगुलर शब्द होंगे। समाहार में आप फाइंड कीजिएगा कि सिंगुलर शब्द है। इसके उदाहरण में आ गए पानी च पादम च पानी पादम या राम लक्ष्मण रामा ये माता च पिता च इसके हो गए, और ये हो गए इसके रामा च लक्ष्मणा च। और दूसरे उदाहरण कोई देख लीजिए, वीणा च मृदंगम च, दोनों सिंगुलर है, वीणा और मृदंग दोनों सिंगुलर है, वीणा और मृदंगम दोनों मिल करके दो हो जाएगा, वीणा मृदंग। दो मिल गए ना, वीणा च मृदंग च। जहाँ पे इतरेतर में ड्यूएल और प्लूरल होंगे, समाहार में सिंगुलर होंगे, बट है क्या दो वाले हैं, तो एटलीस्ट आप द्वंद समास तो लिख ही दोगे। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ओनली यू हैव टू लर्न सो मैनी एग्जाम्पल्स विच इज इन योर बुक। द एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग विदाउट द अदर प्लेस ऑफ योर कोर्स। ऑलवेज एग्जामिनर आस्क द वर्ड विच इज इन योर बुक। तो बुक पे ध्यान दीजिए, बुक में के ही आप लोगों को शब्द दिए जाते हैं।